वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय मां यमुने जय मां गंगे। दोस्तों इस बार मैं एक और रोमांचक आध्यात्मिक यात्रा पर गई। मेरी एक और रोमांचक आध्यात्मिक यात्रा की सुंदर कहानी में मैं सोनिया आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, इस बार बाबा बर्फानी ने मुझे बुलाया। भूखे को दे अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। इस बार बाबा बर्फानी ने मुझे बुलावा भेज ही दिया। बाबा के दर्शन करने का भाव अचानक मेरे दिल में महादेव ने जगाया। अब भाव उसने उठाया, उसने जगाया तो व्यवस्था भी तो उसे ही करनी थी, क्योंकि मेरा जीवन समर्पित है मेरे महादेव को। 2024 में पवित्र अमरनाथ धाम की यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। इस यात्रा पे जाने से पहले आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा अधिकृत डॉक्टर से अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होता है, जो यह बताता है आप शारीरिक रूप से अमरनाथ यात्रा करने के लिए फिट है या नहीं। इसके बाद आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 150 रुपीस देकर करवा सकते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा अधिकृत बैंक द्वारा भी आप ऑफलाइन ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आप जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर भी करवा सकते हैं। वहाँ टेंट्स लगे हुए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर सरस्वती धाम का आपको टोकन लेना होता है। इस टोकन को लेने के बाद आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है, और मेडिकल चेकअप के लिए आपको अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखना होता है। मेडिकल ओके होने के बाद ही आपको यात्रा का टोकन दिया जाता है। अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा ये यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा की परमिट की जरूरत नहीं होती। अगर आपको डॉक्टर इस यात्रा पे जाने के लिए यस कहते हैं तभी आप ये यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, और जो महिला गर्भवती है वो भी इस यात्रा को नहीं कर सकती। अपने घर से गुरुदेव महादेव का आशीर्वाद ले मैंने दिल्ली की मॉर्निंग फ्लाइट ली। चार पाँच घंटे का होल्ड मुझे दिल्ली में करना था श्रीनगर की फ्लाइट लेने के लिए। तो दोस्तों शरीर को बहुत तेज भूख लग गई, और यहाँ हाई प्राइस पे मैंने ये ठीक ठाक सा डोसा खाया। फ्लाइट हमारी लेट आई, दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट पे बैठ गए। इस फ्लाइट में ऑलमोस्ट सभी बाबा बर्फानी के दर्शन को ही जा रहे थे। सबने बाबा का जयकारा लगाया फ्लाइट टेक ऑफ के साथ। भाई बम बम बोले के भाई बम बोले बोले की बात। शाम हो गई हमें श्रीनगर पहुंचते पहुंचते। मुझे लेने मुश्ताक भाई आए, हाथ में मेरे नाम का बैनर इन्होंने पकड़ा हुआ था। श्रीनगर के मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ साफ मैं महसूस कर रही थी। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी थी यहाँ। मैं श्रीनगर पहले दो बार आ चुकी हूँ, पर ये मौसम मुझे यहाँ पहली बार मिला। इतनी गर्मी। डल लेक पे शिकारा मुझे लेने आ चुकी थी। मेरा आज का स्टे हाउस बोट पे था। शाम को डल लेक का नज़ारा गजब का ही होता है। तो लीजिए मैं पहुंच गई अपने हाउस बोट पे। इस हाउस बोट में पहले मैं दो बार रुक चुकी हूँ। ये हाउस बोट हाइजीनिक साफ सुथरा और सुरक्षित है। इस हाउस बोट पे मेरे अलावा रुकने वाला और कोई नहीं था। दोस्तों सुबह सुबह ये डल लेक का नज़ारा, वाह वाह वाह। ये बतख कितनी मस्ती से तैर रहे हैं।
सुबह जल्दी मैं बालटाल के लिए चल पड़ी। श्रीनगर से बालटाल की दूरी अप्रोक्स 95 किलोमीटर है और बालटाल आने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट है। श्रीनगर एयरपोर्ट से आप शेयर टैक्सी, टैक्सी या बस द्वारा बालटाल जा सकते हैं। क्योंकि यात्रा सीजन है, रास्ते में आप लेट निकलेंगे तो गाड़ियों का बहुत लंबा जाम हो जाता है। आज भी मुझे मुश्ताक भाई लेने आए। दोस्तों, श्रीनगर से बालटाल बेस कैंप तक आपको 3500 या 5000 तक आपको पे करना होता है। वेरी करता है आप गाड़ी कौन सी मंगा रहे हैं। दोस्तों, हमारे मिलिट्री भाई हर थोड़ी दूरी पर तैनात हैं हमारी सुरक्षा को। इनकी वजह से ही हम सुरक्षित ये यात्रा कर पाते हैं। सल्यूट है इन मिलिट्री भाइयों को। दोस्तों, फिर हमने ममर में बहुत टेस्टी सा ये ब्रेकफास्ट किया। ये देखिए अपने लखनऊ वाले का भंडारा का यहाँ बैनर लगा है। दोस्तों, सिंध नदी का ये किनारा कितना मनमोहक और सुंदर दिख रहा है। दोस्तों, मैं गाड़ी से खुद को उतरने से रोक नहीं पाई। दोस्तों, बालटाल से पहले आपके पूरे सामान की और आपकी चेकिंग की जाती है। तो सोनमर्ग के रास्ते दोस्तों हम पहुंच गए बालटाल। बालटाल बेस कैंप से पार्किंग से भी बहुत पहले हमारी गाड़ी को रोक दिया गया, क्योंकि आज यात्रा में यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ से शटल टैक्सी या बस लेकर आपको बेस कैंप तक जाना होता है। दोस्तों, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मुझे ये गाड़ी मिली और धूप तो इतनी तेज़ थी, तीखी थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हो रही थी। दोस्तों, बेस कैंप पे पहुँचते ही पहले हमारे सामान की और हमारी चेकिंग की गई फिर से। दोस्तों, बेस कैंप पहुँचते ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ क्या करूँ। फिर महादेव जी ने एक अनजाने मित्र को भेजा मेरी मदद के लिए और उन्होंने मुझे RFID कार्ड कहाँ से बनवाना है, कैसे क्या करना है, पूरा मुझे समझाया। तो मैं इस अनजाने मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, RFID कार्ड यहाँ कई काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ आप बनवा सकते हैं और मैंने कई लोगों को यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हुए भी देखा। तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए काफ़ी लोग अपने काउंटर्स पे बैठे हुए हैं। दोस्तों, फिर मुझे अपने रहने के लिए टेंट ढूंढना था। तो दोस्तों, श्राइन बोर्ड का ये रूम भी आप बालटाल बेस कैंप पे ले सकते हैं। इस रूम में 4 बेड होते हैं और सबसे अच्छी बात, आपको वॉशरूम यहाँ अटैच मिल जाता है। ये सुविधा आपको कहीं भी टेंट पे नहीं मिलेगी। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ बालटाल बेस कैंप में नहीं रुकना चाहती थी, मैं डोमेल एक्सेस गेट पे रुकना चाहती थी जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत भ्रामक वीडियो डाल रखे हैं, आपको हर सेकंड यहाँ फ्री ऑटो टैक्सी या कुछ भी सुविधा मिलती है डोमेल गेट पे जाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैंने खुद देखा, सामान लेकर 3.5 किलोमीटर बेस कैंप से डोमेल गेट तक मैं पैदल गई। तब तक एक भी गाड़ी या टैक्सी मैंने नहीं देखी। दोस्तों, डोमेल गेट पे इस अनजाने मित्र ने ही टेंट ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे यहाँ एक पर्सनल टेंट थोड़े हाई प्राइस पे मिल गया। दोस्तों, यहाँ मैंने बाय करके ये राजमा चावल खाया रात को और रात में जल्दी सो जाना चाहती थी ताकि 2 बजे मैं यात्रा की लाइन पे लग सकूँ। लेकिन तब करके ही आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, रात को इतनी तेज़ आंधी और तूफान आने लगा, ऐसा लगा जैसे मेरा ये टेंट बस उड़ जाएगा। रात के 1:30 बज रहे हैं और हम हैं बालटाल बेस कैंप में। तो बाबा बर्फानी ने बुलाया है दर्शन करने को, लेकिन इतनी हवा और तेज़ आंधी चल रही है, ऐसा लग रहा है मैं तो रात को उठ के बैठ गई टेंट में, ये टेंट उड़ जाएगा जैसे। बाबा ही जाने कैसे वो ये यात्रा पूरी करवाएंगे। हर हर महादेव।
और मेरे टेंट में पानी भी घुस गया। सारी रात मैंने बैठकर निकाली। दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो वो हुई वॉशरूम जाने की। आपको टेंट में वॉशरूम नहीं मिलता है, आपको पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना होता है और जो कि इतना गंदा होता है कि मैं क्या बताऊं। दोस्तों यहाँ भंडारे तो भरपूर हैं लेकिन आदमी इतना खाएगा तो जाएगा भी, तो जाने के लिए वॉशरूम क्लीन करने वाले पर्संस भी होने चाहिए, लेकिन ऐसी सुविधा मैंने यहाँ कुछ नहीं देखी। वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदे थे और अकेली फीमेल के लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना दोस्तों बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अव्यवस्था और दिक्कत महसूस हुई। सुबह के 4 बजे अब डोमेल गेट खुल चुका था। बारिश अभी थोड़ी थोड़ी रुकी थी। ये गेट सुबह 10 बजे तक दोस्तों खुला रहता है, उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है। डोमेल एक्सेस गेट से गुफा तक की दूरी अप्रॉक्स 12 या 13 किलोमीटर की है और पवित्र गुफा की ऊंचाई 12,756 फीट की है। दोस्तों ये चढ़ाई का रास्ता बहुत दुर्गम है। पैदल यात्री, घोड़े वाले, पालकी वाले सब का ये एक ही मार्ग है जाने का, और यहाँ धूल मिट्टी कीचड़ इतने ज़्यादा रास्ते में कि जस्ट आपके शूज़ तो कीचड़ से सन जाएंगे पूरे। अपना पिट्ठू बैग या सामान जो भी आप ऊपर ले जा रहे हैं वो कम से कम रखें, क्योंकि आप लगेज के साथ ऊपर चढ़ेंगे तो आपको चढ़ाई में बहुत दिक्कत महसूस होगी। और एक फेस मास्क ज़रूर रखें या स्कार्फ, धूप से खुद को बचाने के लिए एक कैप ज़रूर रखें, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। दोस्तों मैंने जिस दिन ये यात्रा की उस दिन तो मौसम अच्छा था लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ था। दोस्तों आप ऊपर जब भी चढ़ाई चढ़ें सामान जितना कम ले जा सकते हैं उतना हल्का अपना बैग रखें, वरना इतने बोझ के साथ इतनी ऊपर और खड़ी चढ़ाई चढ़ना बहुत तकलीफ देगा आपको। दोस्तों अपने साथ रेनकोट ज़रूर रखें और वो भी लाइट वेट वाला, और शूज़ आप ट्रैकिंग वाले वाटरप्रूफ वाले पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत अच्छी ग्रिप के शूज़ पहने। आजकल शू कवर भी आते हैं जिससे आप अपने शू को ऊपर से कवर कर सकते हैं, इससे आपके जूते गीले नहीं होंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सॉक्स पहना, उसके ऊपर पैरों के अंदर पॉलीथीन बांधी, फिर एक सॉक्स पहना और फिर मैंने शूज़ पहने। इससे कीचड़ से और जब जूते भी गीले हुए तो मेरे पैर बिल्कुल गीले नहीं हुए। तो ये बहुत अच्छा सा ट्रिक मैंने आपके लिए शेयर किया। दोस्तों आप ट्रैकिंग स्टिक भी साथ में ज़रूर रखें जिसकी बहुत अच्छी ग्रिप हो नीचे से, नहीं तो आप यहाँ 30-40 रुपए में लाठी मिलती है वो भी ले सकते हैं, मैंने तो लाठी ही ले ली थी। दोस्तों चढ़ाई बहुत दुर्गम थी पर मेरे महादेव का नाम लेते लेते मैं चढ़ती जा रही थी। दोस्तों ये खूबसूरत सा झरना कितना सुंदर दिख रहा है और ये ग्लेशियर्स, वाह वाह वाह। दोस्तों बरारी हम पहुंच गए। रास्ते में ऑक्सीजन की सुविधा भी मौजूद है। दोस्तों पवित्र गुफा के रास्ते में अमरावती और पंचतरणी नदियों का संगम आता है। कुछ लोग दर्शन करने से पहले अमरावती नदी में स्नान भी करते हैं। आप अपने साथ कोई चॉकलेट, टॉफ़ी, लौंग, इलायची ये सब ज़रूर रखें। ये चॉकलेट या टॉफ़ी चूसने से आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगती है और आपका चढ़ाई में गला भी नहीं सूखता है। लौंग इलायची आप चूसते रहें जिससे आपके शरीर को थोड़ी गर्मी मिलती रहे। पानी ज़्यादा ना पिएं क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे तो वॉशरूम भी आएगा और वॉशरूम की सुविधा रास्ते में हर जगह पर नहीं है। दोस्तों अपने साथ ORS का घोल एक छोटे बॉटल में बनाकर ज़रूर रखें और
अगर पॉसिबल हो तो एक गर्म पानी का फ्लास्क भी जरूर रखें, क्योंकि गर्म पानी से आपको सांस लेने में जहां दिक्कत होती है बहुत राहत मिलती है। और दोस्तों कपूर जरूर साथ रखें, लेकिन किसी नैपकिन या कपड़े में लपेट कर उसको सूंघे, डायरेक्ट ना सूंघे, नहीं तो ज्यादा सूंघने से आपको चेस्ट कंजेशन हो सकता है। इस यात्रा में दोस्तों मेरे गुरुदेव ने मेरी इतनी मदद की कि मैं क्या बताऊं, यहाँ तक कि मेरा पिट्ठू वाला बैग भी कैरी करने के लिए एक सरदार भाई सामने आ गए और वो पवित्र गुफा तक मेरा बैग लेकर भी गए और लेकर भी आए, जैसे महादेव मुझे गोदी पे उठा के ले जा रहे थे ऊपर। लेकिन आपको तप करके ही जाना था, तो रास्ता ज़रूर दुर्गम है, लेकिन आपकी आस्था अगर महादेव में भरपूर है तो वो ज़रूर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। दोस्तों ये यात्रा आप हेलीकॉप्टर द्वारा भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको सोनमर्ग से पंचतरणी पे उतार देती है और पंचतरणी से आप घोड़ा, पालकी या पैदल अपनी सुविधा के हिसाब से पवित्र गुफा तक जा सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर की टिकट आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट द्वारा आप एक अच्छा सा पैकेज भी ले सकते हैं। दोस्तों चलते चलते हम पहुंच गए काली टॉप। यहाँ माँ काली की इस पहाड़ पे एकदम स्पष्ट आकृति स्वयं निर्मित है। दोस्तों यहाँ से पवित्र गुफा के पहले दर्शन भी होते हैं। दोस्तों मैं पहुंच गई पवित्र गुफा के बाहर। यहाँ आकर बाबा को बारंबार धन्यवाद दे रही हूँ, बाबा आपने मेरी कितनी मदद की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद करती हूँ अपने महादेव का और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस यात्रा में अनजाने मित्र बनकर मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। और देखिए दोस्तों चमत्कार, यहाँ बाबा ने पता नहीं कैसे मेरी VIP दर्शन की व्यवस्था भी करवा दी। कितना बड़ा चमत्कार है ये। मैं उन तमाम मित्रों को फिर से बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ उनको मेरे महादेव बहुत शक्ति दे और उनका ख्याल रखे। दोस्तों जब आप पालकी से जाते हैं तो ये पालकी आपको गुफा के सीढ़ियों के ऊपर तक छोड़ती है और घोड़ों को पवित्र गुफा के 1 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, वहाँ से आपको पैदल जाना होता है। दोस्तों ये पालकी वाले यहाँ बहुत ज़्यादा असुविधा क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनते, इतनी भीड़ भाड़ होती है, उसी में आदमी चल रहे होते हैं, उसी में पालकी, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ। दोस्तों इस पवित्र गुफा के बाबा बर्फानी के दर्शन करके मुझे बहुत बहुत आनंद मिला और इस गुफा से जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन सब के लिए मंगल कामना करती हूँ, बाबा आप सब पे अपना आशीर्वाद बरसाएं। दोस्तों इस पवित्र गुफा की कहानी, मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। इस गुफा की खोज दोस्तों एक मुस्लिम चरवाहे भाई द्वारा की गई जिसका नाम बूटा मल्लिक था। बूटा मल्लिक भेड़ बकरियां चराता था। ये एक दिन बकरियां चराते चराते गुफा के पास पहुंच गया। वहां पर उनकी नज़र एक साधु पे पड़ी। साधु ने एक कोयले से भरा हुआ बैग बूटा मल्लिक को दिया। बूटा मल्लिक जब वो बैग लेकर अपने घर आया तो घर आकर जब वो इस बैग को खोलता है तो ये सारे कोयले सोने के सिक्के में बदल चुके थे। बूटा मल्लिक ने जब ये चमत्कार देखा तो उसने सोचा वो साधु भी बहुत चमत्कारिक था और ये गुफा बहुत चमत्कारों से भरी है। उसने इस गुफा का प्रचार किया। दोस्तों पुराणों में ये कथा है, जब माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा मैं बार बार जन्म क्यों लेती हूँ और आप अमर क्यों हैं, तो भोलेनाथ जी ने अमर कथा सुनाने का माता को निर्णय लिया और ये कथा सुनसान जगह पे वो माँ को सुनाना चाहते थे, तो भोलेनाथ ने इस गुफा का चुनाव किया। जब बाबा मैया को ये कथा सुना रहे थे तो एक जुड़वा कबूतरों के जोड़े ने ये कथा सुन ली और कहते हैं वो कबूतर तब से अमर हो गए। तो ये जुड़वा कबूतर कहते हैं बहुत सौभाग्य होता है उनका जिनको ये दर्शन देते हैं, मुझे ये जुड़वा कबूतर दोनों दिखे। दोस्तों अंदर बाबा का बर्फ का शिवलिंग हर साल निर्मित होता है और
पवित्र गुफा की यात्रा 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का असर बाबा का शिवलिंग हर साल छोटा होता जा रहा है। इस मंदिर की दोस्तों पूरी देखभाल श्राइन बोर्ड द्वारा की जाती है। मुझे यहाँ दर्शन करके बहुत आनंद मिला। घोड़े का रेट भी श्राइन बोर्ड द्वारा तय किया गया है, 4400 दोनों साइड का, और आप वन साइड भी बुक कर सकते हैं। पालकी का रेट 15,000 अप्रॉक्स है। दोस्तों, आप ये यात्रा वाया पहलगांव या बालटाल दोनों से कर सकते हैं। पहलगांव वाला रूट थोड़ा लंबा है लेकिन सुगम है। ज़्यादातर लोग पहलगांव वाला रूट प्रेफर करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ इसी रास्ते से गुफा तक गए थे, लेकिन बालटाल वाला रूट दोस्तों बहुत खड़ा और दुर्गम है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, महादेव ने वहां तक बुलाया है तो वो दर्शन भी जरूर करवाएंगे। दोस्तों, आजकल गुफा के पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, या तो आप पंचतरणी या आप किसी भंडारे में शरण ले सकते हैं। पवित्र गुफा के दर्शन करके मैं बालटाल बेस कैंप तक आ गई और यहाँ मैंने बहुत हाई प्राइस पे ये टेंट लिया। आपको पर बेड के हिसाब से यहाँ टेंट का पे करना होता है। लेकिन दोस्तों, इतनी बारिश थी कि कहीं ना कहीं तो रुकना ही था। तो दोस्तों, ये यात्रा बाबा ने मुझे इतने अच्छे से करवाई, इसके लिए बर्फानी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अपना वक्त देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो में कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।